नमस्कार साथियों। साथियों, डीपीआई से लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए जा रहे हैं। लगातार 31 अगस्त तक शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक जिले से दूसरे जिले में, एक संभाग से दूसरे संभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे। अभी तक हमने ट्रांसफर आदेशों को लेकर विभिन्न वीडियोज के माध्यम से जानकारी आपके साथ साझा की है, लेकिन ये जो ट्रांसफर आदेश हैं किन शर्तों के तहत जारी हो रहे हैं, ट्रांसफर होने के बाद क्या कुछ सावधानियां संबंधित शिक्षकों को रखनी है, उनकी कार्य मुक्ति कैसे होगी, आज की इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो स्थानांतरण आदेश जारी हो रहे हैं, यदि उनकी शर्तों की हम बात करें, तो ऐसे शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफर आदेश जारी होगा, उनके लिए सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी, संबंधित शिक्षक की ई सेवा पुस्तिका की जानकारी स्थानांतरण आदेश में अंकित जानकारी से मिलाई जाएगी। यदि जानकारी सही पाई जाती है, तो उस स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा और यह कार्य संकुल प्राचार्य का होगा। ट्रांसफर आदेश की जो दूसरी शर्त रहेगी, वह ऐसे शिक्षक जिनका ट्रांसफर आदेश जारी होता है और वह बगैर सूचना के लंबी अवधि से अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रांसफर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ट्रांसफर आदेश की तीसरी शर्त है, स्थानांतरित लोक सेवक संकुल केंद्र में उपस्थिति देने के उपरांत स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा। यानी कि ऐसे शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफर आदेश जारी होगा, उन्हें सबसे पहले संकुल केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, उसके बाद में स्थानांतरित संस्था में वह कार्यभार ग्रहण करेंगे और इसकी सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा और ये जो सूचना है लिखित में देनी होगी। साथ ही साथ इसकी अगली शर्त है, किसी ऐसे शिक्षक साथी का यदि ट्रांसफर होता है जो परिवार पर है, तो संबंधित शिक्षक साथी को अपने समस्त कार्यभार सौंपने के उपरांत ही कार्य मुक्ति मिल पाएगी। यानी कि उन्हें अपने समस्त कार्यभार किसी अन्य शिक्षक को सौंपने होंगे, उसके बाद उन्हें कार्य मुक्त किया जाएगा। अगली शर्त है, यदि संबंधित लोक सेवक अध्यापक संपर्क के हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रांसफर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यानी कि अध्यापक संपर्क के किसी शिक्षक साथी का यदि ट्रांसफर हुआ है, तो उनका ट्रांसफर निरस्त माना जाएगा। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक साथी जो जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत हैं या जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित शालाओं में कार्यरत हैं और उनका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रांसफर आदेश भी स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में किसी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा। तो ये कुछ शर्तें हैं, ऐसे शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है या आदेश जारी होने वाला है, उन शिक्षकों के लिए ये शर्तें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन शर्तों का अध्ययन शिक्षक साथी अच्छे से कर लें, ताकि आने वाले समय में यदि उनका ट्रांसफर आदेश जारी होता है, तो कार्य मुक्ति में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।